Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के गिर्द घेरा तंग। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इमरान खान को 25 सितंबर से पहले 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। तनख्वाह जाहिर ना करने पर 62(1)(f) का इतलाक कैसे हो सकता है? जीआईटी ने ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं दिया जिससे FZE से तनख्वाह जाती है। नजर सानी दरखास्तों पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। दस्तावेजात से पता चलता है कि तनख्वाह निकलवाई गई। क्या हमने कोई बैंक अकाउंट फैसले में लिखा? अगर नहीं तो फिर बात खत्म। अदालत ने फैसला तस्लीम शुदा हकाइक पर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अजमत सईद के रिमांड। इफेक्टिव होता जब ये स्कैंडल आया था, नैब खुद इन्वेस्टिगेशन करता और नैब खुद एक रेफरेंस बनाता तो आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत ना पड़ती। 17-18 साल से शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस नैब के पास हैं, फैसला नहीं हो रहा। नैब केस बनाता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आना पड़ता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा नवाज शरीफ लंदन से वापस न आए तो पीटीआई उन्हें वापस लाएगी। शरीफ खानदान की मुश्किलात बढ़ने लगी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट से मुतालिक नैब रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। नवाज शरीफ, हसन हुसैन और मरियम नवाज के बाद दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी बुला लिया। 19 सितंबर को अदालत तलबी के लिए नोटिस जारी। मौजूदा चेयरमैन नैब पहले दिन से ही मुतनाज़े रहे। हुकूमत को नए चेयरमैन के लिए जल्द नाम देंगे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का वीडियो पैगाम। कहा ऐसा नाम देंगे जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। चेयरमैन नैब की तकरीरी के लिए पीटीआई और एमक्यूएम से रابطे में है। वजीर आजम और ओपोजिशन से चेयरमैन नैब की तकरीरी का इख्तियार वापस लेकर चीफ जस्टिस साहिबान को दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा जैसे नवाज शरीफ का ना अहल करार दिया वैसे ही पानामा केस में मौजूद 436 अफराद का एहतसाब चाहते हैं। नैब के चेयरमैन की तकरीरी में अपोजिशन लीडर का हाथ होता है और वजीर आजम का हाथ होता है, तो फिर ये कैसे दोनों मिलकर एक ऐसे आदमी की तकरीरी पे जाएंगे जो इंसाफ करे, जो आदल करे, जो सालिस हो। नैब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। नैब के पास 2 दिन का वक्त है। फैसला ना दिया तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस का ट्रायल होगा और पूरा खानदान मुलविस निकलेगा। ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले के बावजूद सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, हम सबकी जानों को खतरा है। सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमात जल्द ही खत्म हो जाएंगे। पर जिमनी इंतखाब का मार्का। सियासी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम तेज। हल्के में गहमा गहमी, गली गली बैनर्स, वोटर्स की हिमायत के लिए डोर टू डोर रास्ते। नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में 17 सितंबर को कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मियाँ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हल्के में जो थोड़ी सी एक रबते का थोड़ा सा था, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम साहब के आने से वो गैप खत्म हो गया। कारकुन बड़े पुरजोश हैं। हर जमात को हक है पार्टिसिपेट करने का, मगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये जीत हमारी होगी, वक्तन मुसलमान एक नून की होगी। फाटा इस्लाहात और खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मामला। अवामी नेशनल पार्टी के जेर एहतमाम इस्लामाबाद में APC शुरू। खुर्शीद शाह, महमूद खाना जगजई और इस्फंदियार वली समेत दीगर अराकीन शरीक। सिक्योरिटी फोर्सेस एक बार फिर आपे से बाहर। वर्किंग बाउंड्री के बजवात सेक्टर पर गुज़िश्ता रात बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी।
पंजाब रेंजर्स का भरपूर जवाब। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज डेरा बुट्टी का दौरा करेंगे। वजीर आजम सुई में अवामी जलसे से खिताब और कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पर डेंगू का वार, 24 घंटे में दो खवातीन समेत चार अफराद डेंगू वायरस का शिकार बन गए। दो मरहले मरने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई। सुबह भर से मजीद 423 अफराद में वायरस की तस्दीक।